नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव के ड्रा की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन जिला परिषद, जिला निकाय और जितने भी शहरी निकाय हैं उन सब की लिस्ट धीरे धीरे करके हरियाणा सरकार जो है वो उन जिलों की ड्रा सूची जारी कर रही है। जैसे जैसे उन जिलों के ड्रा निकल रहे हैं वैसे वैसे इनकी सूची जारी हो रही है। इसी कड़ी में हम आपके सामने पलवल ज़िले की ड्रा सूची जो कि जिला परिषद की है वो हम लेकर के आए हैं, और जैसे भी कोई और ज़िला या उसकी सूची जारी होगी हम आपके सामने सबसे पहले वो ड्रा की सूची लेकर के आएंगे। आप अगर ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके एक छोटे से कार्य से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सबसे पहले वो लाल रंग का जो बटन है आप उसको प्रेस कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले जो हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरें हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। अब शुरू करते हैं कि पलवल ज़िले की जो ड्रा सूची है, जो जिला परिषद की सूची हरियाणा सरकार ने जारी की है, उसमें पलवल ज़िले में कुल 21 वार्ड हैं जिनमें से 3 पर SC कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिली है और केवल 2 पर BCA कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिली है। बाकी आपको पता ही होगा कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इसी सीक्वेंस में जो नंबर आते हैं वार्ड नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग फीमेल को रिजर्वेशन है, और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इसी तरीके से जितने भी वार्ड संख्या होती है उनको उनके ऊपर मेल कैंडिडेट अब की बार ताल ठोकेंगे। इसी तरह वार्ड नंबर 1 जो है उसमें SC को रिजर्वेशन मिला है, और वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 20, ये 3 सीटें जो हैं ये SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व डिक्लेयर की गई हैं, जो भी ड्रा पलवल जिला परिषद के लिए अभी इशू किया गया है। इसके अलावा BCA के लिए 2 वार्ड, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 14 ही हैं जिनमें BCA का कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में उतर सकता है, और वार्ड नंबर 11 में फीमेल के लिए है और वार्ड नंबर 14 में मेल के लिए ये रिजर्वेशन ड्रॉ में निकला है। अब बात करते हैं जनरल कैंडिडेट्स की, तो बाकी जितने भी वार्ड बच गए उन सभी में जनरल कैंडिडेट्स आप अपने चुनावी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि कौन सी सीट पर किस कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिली है या वो जनरल कैटेगरी में गया है। वार्ड नंबर 1 की बात करें तो मेल SC के लिए रिजर्वेशन हुआ है। वार्ड नंबर 2 में मेल जनरल के लिए ये सीट खाली है। वार्ड नंबर 3 में फीमेल जनरल के लिए है। वार्ड नंबर 4 मेल जनरल के लिए है। वार्ड नंबर 5 फीमेल जनरल। वार्ड नंबर 6 मेल जनरल। वार्ड नंबर 7 फीमेल जनरल। वार्ड नंबर 8 मेल जनरल। वार्ड नंबर 9 फीमेल जनरल। वार्ड नंबर 10 मेल जनरल। वार्ड नंबर 11 फीमेल BCA के लिए। वार्ड नंबर 12 मेल जनरल के लिए। वार्ड नंबर 13 फीमेल जनरल के लिए। वार्ड नंबर 14 BCA मेल के लिए। वार्ड नंबर 15 फीमेल जनरल के लिए। वार्ड नंबर 16 मेल जनरल के लिए। वार्ड नंबर 17 फीमेल जनरल के लिए। वार्ड नंबर 18 फीमेल SC कैंडिडेट के लिए। वार्ड नंबर 19 मेल जनरल के लिए, और वार्ड नंबर 20 मेल SC कैंडिडेट के लिए, और आखिरी बचा हुआ वार्ड है वार्ड नंबर 21, उसमें फीमेल जनरल कैटेगरी से अपना चुनावी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से पलवल ज़िले में जो ड्रा है वो पूरा हो गया है, और जिला परिषद का जो ड्रा अभी निकाला गया है उसमें से टोटल 21 वार्ड हैं और 21 वार्ड की कैंडिडेट लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। अब जो भी इच्छुक हैं, जो लोग इस चुनावी रण में कूदना चाहते हैं वो अपना इसी तरीके से सभी ज़िलों में बाकी ज़िलों के लिए भी हरियाणा के ड्रा लिस्ट जारी की जाएगी, जिसको कि हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और जैसे ही वो लिस्ट जारी होगी हम सबसे पहले आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों दोस्तों
के साथ इसको व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इसी तरीके से सारी लिस्ट सबसे पहले पता चले। और मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इस चुनावी रण में कूदना चाहते हैं। धन्यवाद।